बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौलाना फजल रहमान साहब का वजीर आजम इमरान खान से मुस्तफी होने का जो मुतालबा है ये नहायत ही गैर मुनासिब, गैर आइनी और गैर जमहूरी है, और 5 साल के लिए उनको ये मैंडेट मिला है और वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सियासी मकासद की तकमील के लिए इदारों को मुतराजा बनाना कौमी सलामती के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी तमाम जो इतिहादी जमाती हैं उन पर लाजम है कि वह मुआहदे की पासदारी करें, और जो चीजें तय हुई हैं उस वजह से मैं समझता हूं कि आज वो इस्लामाबाद पहुंच सके हैं। और अगर मुसालती कमेटी दरमियान में ना होती तो मौलाना के लोगों को इस्लामाबाद किसी ने नहीं आने देना था, ये तो उस वक्त भी हमने उनको साफ वाजह बता दिया था। और हम नहीं चाहते, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि ये जमहूरियत है और उनको भी हक हासिल है अब बोलने का, आने का, हम नहीं रोकेंगे उनका, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अब ये लाजम है कि मुसालती कमेटी हमारी, तो हमने अपना काम पूरा किया है, अब वहां जो मौलाना साहब के साथी हैं और जो इतिहादी जमातें हैं उनकी और जो उनकी राबर कमेटी है, उनका ये फर्ज बनता है कि जो मायदा हुआ है उसकी पासदारी करें और उस पर अमल दरामद करें, और मायदे की जो पासदारी नहीं करता, मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी भी फिर उसी पर होती है जो मायदा तोड़ता है।